शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ भाई, आओ बैठ 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 बैठ। तेरे से बहुत अर्जेंट काम है भाई। सारी दुनिया तुझे ढूंढ रही है, लेकिन एक मैं हूँ जो तेरे फायदे के लिए तुझे ढूंढता हूँ। अच्छा? अरे मेरा मतलब मेरे फायदे के लिए, लेकिन तेरे से थोड़ा कम। बोलो। ये देखो। ये क्या है? रामायण है, रामायण। जीवन लाल, रामायण पढ़ने का शौक हुआ है तो बाजार से ले आओ। अरे ये बाजार में बिकने वाली रामायण नहीं है, 500 साल पुरानी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, राजा भोज के पंत शास्त्री ने इसको लिखा। हाँ? उनके मंदिर में इसकी पूजा होती है। अब उन्हीं की फैमिली का एक लड़का महेश शास्त्री इसको बेचना चाहता है। मैंने वैल्यूअर से पता किया, 5-7 करोड़ तो आसानी से हाथ लग सकते। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। मैंने महेश शास्त्री के बंगले की अच्छी तरह से रिपोर्ट निकलवाई। हाँ, अच्छा? हाँ, उसकी बाउंड्री वॉल पर बिजली का करंट फैला हुआ है। उन तारों को नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। और हाँ, होशियार रहना, घर का मेन दरवाजा भी तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। अच्छा, एक और रुकावट है। ये जो तिजोरी बनी है वो जर्मन टेक्नोलॉजी की है। उसके कोड को क्रैक करना बड़ा मुश्किल है, मगर मेरा चार्ली सब कुछ कर सकता है भाई। वो तो है। अरे ओह, बज गई घंटी, मतलब मेरा काम हो गया। क्या चोरी हो गई? अरे गए 5 करोड़ हाथ से, गए 5 करोड़ हाथ से सत्यानाश। अरे बाबा, तुम क्यों हल्ला कर रहे हो? क्या हो गया? अरे रामायण चोरी हो गई ना। रामायण नहीं, कुछ और बात है। हेलो, नहीं नहीं चलो मैं तो। अच्छा अच्छा, अरे प्रभु रामायण चोरी नहीं हुई, धन्यवाद। आखिर चोरी हुआ क्या है? कीमती था? बहुत कीमती था। तो संभाल कर रखना चाहिए था ना? संभाल के तो रखा था, फिर भी चोरी हो गया। वो ब्रेसलेट तूने चोरी हुआ? ब्रेसलेट? अरे वही, गुरुवार का दिन था, तुम और मैं हम दोनों चोर बाजार गए थे 5 बजे। हाँ, तुमने ग्रीन टॉप और ब्लू जींस पहनी थी। तुम्हारे राइट हैंड में एक ब्रेसलेट था, उसमें 5 पर्पल कलर के मोती जड़े हुए थे। नहीं वो नहीं। अच्छा समझ गया। वेनेसडे को 1 मिनट के लिए तुम मुझे मॉल में मिलने आई थी, तुमने पिंक ड्रेस पहनी हुई थी, तुम्हारे पास गोल्ड की क्यूट सी कीचेन थी जिसमें बारीक अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। उसके चोरी होने के फुल चांसेस थे। वही चोरी हो ना? कमाल है, तुम मुस्कुरा रही हो। बड़े गौर से देखते हो तुम मुझे। अजी धंधा है जी, दिमाग से पहले आंखें काम पर लग जाती है। मैं दिल की चोरी की बात कर रही हूँ और ये चोर समझ ही नहीं रहा। नो प्रॉब्लम चाचा, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मेरे पास है लॉकेट, मेरे पास ही है। अरे चाचा, अरे ये, अरे मेरे पास है चाचा, मैंने चेक किया ना। आप फिकर मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए,
अरे ये आपका भतीजा कोई निकम्मा नहीं है, आपको प्रूफ करके दिखाएगा एक दिन। हाँ चाचा मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। कोई नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। आप ठीक तो है ना? ये रहा आपका बैग, थैंक यू, मैंने चोर से बचाया, आपका बैग बचाया, थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया की क्या बात है, आप जैसी खूबसूरत हीरोइन के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ मैडम? मैडम क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मुझे बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचाओ मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। वाह भाई साहब वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सही वक्त आकर हम दोनों की जान बचाई, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, आप चेक कर लीजिए आपके बैग में सब कुछ ठीक तो है। हाँ सब ठीक है, लेकिन क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? मदद? हाँ, वो एक्चुअली ना मेरी एक फ्रेंड है जो लव मैरिज करने के लिए घर से भागी है, उसकी ट्रेन यही निजामुद्दीन स्टेशन से है। एक्चुअली ये लाख रुपए उस तक पहुँचाने बहुत जरूरी है, क्या आप पहुंचा सकते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट, आपको पता है ना मेरे पैर में भी चोट लगी है, प्लीज। देखिए मैं चाहता तो हूँ बट आप देख रही है ना बहुत रिस्की है, तो आई एम सॉरी। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? मैं इस काम के लिए आपको 10,000 रुपए दूंगी जो कि सिर्फ आपके हैं। ये 10,000? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी निजामुद्दीन स्टेशन जाकर आपकी फ्रेंड को ये लाख रुपया दे दूंगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप इन पे कैसे भरोसा कर रही हैं? ये दिल्ली है। ओ हेलो हीरो, अरे मैंने ही उस चोर को पकड़ा था और बैग वापस ला कर दिया था, अगर मुझे भागना होता तो मैं उसी वक्त 9:11 हो गया होता। मैडम आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो? यस, लाइए लाइए मुझे दीजिए। पक्का ना? हाँ मैं जरूर पहुँचा दूंगा। अरे भाई साहब, किसी अंडरटेकर की औलाद हो क्या? ऐसे खुले हम जा रहे हो भाई, लूट लेंगे तुम्हें, लूट लेंगे, कुछ करो, दिल्ली है ये। तो मैं क्या करूं? अरे सेफली लेकर के जाओ, रुमाल में लपेट कर लेके जाओ। क्या कर रहे हो? मेरे पास तो कुछ नहीं है। ओहो ले यार, तुम मेरा रुमाल ले ला, रख ये लीजिए, इस पे रखो। और ये क्या है? ऐसा सोने की चेन है, गला काट लेंगे तेरा। ये कीमती है, सेफ करा रहा हूँ तेरा। जल्दी निकाल, अरे सेफ कर रहा हूँ भाई, जो भी रख दे इधर, सब डाल दे इसमें, बचा रहा हूँ भाई तेरे को, सेफ कर रहा हूँ, कुछ पैसे हैं। और अब आप जल्दी जाइए, उसकी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहुँच जाऊंगा। अरे देख भाई सुन ले, इधर सुन ले, इसको अंदर रखना है ना, समझ में? जल्दी लेके जाने का, चल चल, वेरी गुड। हाँ ये माल अंदर गया, शर्ट बार, शर्ट शर्ट। मैडम डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा, आराम से होए, देख के करूंगा, हो जाएगा। हा 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 ह
आज के बाद मेरा चाचा मुझे कभी गधा निकम्मा नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी 5 मिनट में 1,00,000 रुपया सबसे आसान कमाया है और साथ में 10,000 बोनस फ्री फ्री फ्री। आओ मेरे 1,00,000 रुपया, आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे 1,00,000 रुपया। ये क्या है, ये क्या है, कौन है ये, कौन है ये अनु भाई, ये क्या है, मेरा बटुआ, मेरा मोबाइल, मेरी घड़ी, चाचा का लॉकेट, चाचा का लॉकेट, चाचा मार देगा, चाचा मार देगा मेरे को। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया चाचा। ये ले, चल मार बांट लेते, कैश, घड़ी और लॉकेट, जो चाहिए ले ले। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब तेरा, तू मेरा। ओ गॉड, गोली तो फिर शुरू हो गई। तुझे पता है मुझे बातें बिल्कुल पसंद नहीं, तू चोर, मैं चोर, हम अच्छे दोस्त हैं, हम साथ कभी कभी काम कर लेते हैं, ऐसी बातें करेगी तो काम भी जाएगा और दोस्ती भी। अच्छा अच्छा सॉरी, ये ले, ये लॉकेट पहना दे। क्या मेरा मतलब, मैं खुद ही रख लेती हूँ। तू रख वो और मैं चला। चार्ली फोन करना। हाँ करूँगा, मैं इंतजार करूंगी चार्ली। अरे काम होगा तो कर लूंगा यार। हाथ तो सही मारा तूने भाई, शींग पोंग की हिस्से को उठा कर ले आया भाई, वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 2-2.5 लाख तो आराम से मिल जाएंगे इसके। क्या चौंकियो रे भाई, 40 साल से चोर बाजार में धंधा कर रहा हूँ, सही कीमत दे रहा हूँ। ज्यादा कीमत दे रहे हो क्या, कैसे? नकली चीज की इतनी कीमत नहीं होती जीवन लाल। नकली चीज, शिंग पोंग की असली स्टिक ये है। अरे तो वो नकली है, दूसरी दुकान पर इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। अरे सुन, तो कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है यार। कीमत 15 लाख। अब आया तू लाइन पर। अरे यार मजाक भी करने देता नहीं तू। पिछला हिसाब देख भाई, जैसा तुमने कहा था सावित्री अनाथालय में मैंने पैसे दे दिए, उसकी रसीद ये रही, और 2 बच्चों के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे हॉस्पिटल में, हिसाब बराबर। अभी के लिए कुछ खर्चा पानी? अरे कसम से चाली, तूने खर्चे पानी के लिए पैसे मांग लिए, मेरा दिल रो रहा है यार। रोज बटुआ मेरी जेब में होता, साला आज ही घर जाके भूल के आ गया मैं। ओहो हो ठीक है, आज के लिए तो मैं संभाल लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कितना है। हाँ देख दे। अरे ये बटुआ तो बिल्कुल मेरे जैसा है, सेम टू सेम। ये वही बटुआ है जो तुम घर भूल आए थे? अरे ला मेरा बटुआ। अरे तेरे पास कैसे आ गया भाई? माना कि चोर बाजार में काम गलत होते हैं, लेकिन टिकता वही है जिसकी नियत सही होती है। ये लो खर्चा पानी, मैं चला। वाह बड़े बड़े चोर देखे भाई, लेकिन चोर बाजारी कोई इससे सीखे। आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, 10 पत्ते खोले एक पत्ता गच्चा, सारे नी फर्जी में मर्द का बच्चा, चिन्नी केंद्र ने की तू कजी हरामी, मैंने तो 10,000 तू कितनी तने स्वामी, पीठ ते पीछे गल्ला कर दे सारे हिंदा डच, आगे तो बस टाक 16 आने सच, जिले 16 आने सच। जोगिंदर खन्ना CKB चोरों का बादशाह, हुकूमत चली गई बादशाहत नहीं गई, अबे जा बादशाह। अरे वाह कितना प्यारा कुत्ता है। ओ नमस्ते जोगी जी। नमस्ते नमस्ते, आपका कुत्ता काटता तो नहीं है ना? ना जी ना बिल्कुल नहीं। अरे वाह 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 कितना प्यारा कुत्ता है। अरे मैंने पूछा था कि आपका कुत्ता काटता तो नहीं है, ये तो काटता भी है भौंकता भी है। मेरा कुत्ता तो यहाँ बैठा है, ये रहा यहाँ मोती। अच्छा, जीवन तो बाहर वो लफंगा आवारा कुत्ता था। कहिए कैसे आना हुआ,
अजी वो आपके लाडले बेटे के कुछ बचे खुचे पैसे रह गए थे, अरे वाह, वो देने आया हूँ। क्या ये लीजिए। वाह वाह वाह, ये रहे, ये रख लीजिए। और नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है। ये क्यों अंदर रख लिए? अजी कुत्ते ने काटा है ना, इंजन से लगाना पड़ेगा ना इसमें। तो वो कुत्ता मेरा थोड़ी ना है, वो तो रास्ते का गली का कुत्ता। अरे शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, घर में कुछ पैसे तो आ जाते हैं। क्यों? बड़ा लायक बेटा है आपका। हाँ वो तो है ही। एक मेरा बेटा है, नालायक कहीं का। क्यों, क्या हुआ? अरे इतने पैसे खर्च करके उसको ड्राइवर बनाया, इतना सब कुछ किया, ये सोचकर कि चोर बाजार वाले असलम भाई की तरह वो भी इम्पोर्टर गाड़ियां चुराएगा, घर में माल आएगा। लेकिन वो गधा अफ्रीका में जाकर जानवरों के बीच में गाड़ी घुमा रहा है, गाइड बन गया वहां पे। ओ चाय वाय हो जाए। ओ जसविंदर। अरे नहीं नहीं नहीं, ओ चाय, मिठाई भी खाऊंगा। क्यों? लड़की देखी है मैंने। अब इस उम्र में शादी करोगे? अपने लिए नहीं, तो तुम्हारे चार्ली के लिए। अरे शादी करने का चार्ली का कोई इरादा ही नहीं है। इरादा नहीं है शादी करने? अरे का बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। शादी के नाम से तो दूर दूर भागता वो। ओ मैं समझ गया, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर खन्ना सा। अरे हमको कितना अफसोस हुआ है? क्या बताऊं मैं, कितना अफसोस हुआ। कितनी लड़कियां बताई, अब क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ तो करना पड़ेगा। कितना समझाया मैंने, कितना समझा? नहीं, नहीं, कितना? नहीं नहीं नहीं, समझ में नहीं आएगी बात इनको। क्यों? खन्ना साहब आपका बेटा वो है। वो मतलब कौन? अरे के चार्ली। ओए चार्ली, सुबह सुबह कहाँ चला गया? छत पे देखती हूँ। शाबाश, ले पुत्र बादाम खा, सेहत बना, बड़ी बड़ी चोरियां कर, खानदान का नाम रोशन कर। वैसे चार्ली तुझे ना मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। क्या करती माँ, लगता है? हाँ मैंने भी दिल पे बहुत लगता है जब तू मेरी बात नहीं मानता। कितनी बार तुझसे कहा है कि ब्याह कर ले। वैसे मेरी जो बहू होनी चाहिए ना, उस पॉइंट पे मैं एकदम क्लियर हूँ। क्यों इंग्लिश की बैंड बजा रही हूँ मैं? क्लियर नहीं, क्लियर होता है, क्लियर। हाँ वही वही, जो लड़की होनी चाहिए ना वो एकदम छोटे 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 कपड़े पहननी चाहिए, बिकनी शिकनी। ओयो रब्बा, जब वो मेकअप करके घर से बाहर निकले ना तो एकदम टोटा लगे मेरी तरह। मार्केट में टिक 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 करती चले ना तो किसी भी बॉलीवुड की हीरोइन से कम ना लगे। वापस आजा मेरी माँ, ऐसी कुड़ी तेनू नहीं मिलनी। मिलेगी, जरूर मिलेगी, मैं ढूंढ कर बताऊंगी। तो जा ढूंढ ले। बेटा स्वीटी डार्लिंग, बच्चा स्वीटी डार्लिंग, वेलकम बैक होम, वेलकम बैक होम स्वीटी माय बच्चा। स्वीटी एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? पांडे आ गए था टाइम पे? यस। फैंटास्टिक, तुम्हें देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। बट मैं खुश नहीं। क्यों, क्या हुआ? जब मैं हॉस्टल गई थी तो आप कितने फिट थे, कितने स्लिम थे। अभी आपने कम से कम 10 किलोस गेन किए हैं पापा। नो वे, देखो मैं वैसे का वैसा ही हूँ। डोंट लाइ, आपने योगा नहीं किया होगा, एक्सरसाइज भी नहीं की होगी, डाइट कंट्रोल तो कंप्लीट जीरो। तुमने कहा था दो टोस्ट खाना ब्रेकफास्ट में। हाँ, राइट। मैं दो टोस्ट ही खा रहा हूँ।
हाँ? मिठाई दिखती भी है तो मैं मुंह फेर लेता हूँ ऐसे। मालिक आपके 6 गुलाब जामुन और आइसक्रीम भी ले आऊं। तुम्हारे लिए बनवाया है बिटिया, तुमको अच्छा लगता है ना, इसलिए तू दफा हो जा। अब बेटी अब तुम आ गई हो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैं बिल्कुल वैसे का वैसा हो जाऊंगा जैसा मैं था, आई प्रॉमिस यू। अब गुस्सा छोड़ो ना बेटी, ये बताओ अब आगे क्या प्लान है। पापा मैं अभी तो आई हूँ, वैसे कुछ करने का सोचा जरूर है। क्या हुआ बेटी? जब तुम सोचने लगती हो तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ। पापा आप तो ऐसे रिएक्ट करे जैसे मैंने अपने सर के ऊपर पहाड़ रखा। अरे मेरे पे पहाड़ काला पहाड़। अबे रुक जा, किस पे लगाएगा निशाना? पूछ तो ले किस पे लगाएगा निशाना। किस पे? वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है बीच वाली, उसमें से एक आदमी काले सूट में आएगा, वो अपना टारगेट है, उसे उड़ा देना। हाँ। और होशियारी से, ये तेरा पहला मर्डर। जी बॉस। बॉस आपने कहा था एक आदमी आएगा। एक ही आदमी आएगा, उड़ा दो। वहां तो दो आदमी आ रहे हैं। कैसे? हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना टारगेट काले सूट में बाहर आएगा, उसे मार दे, खत्म स्टोरी है। हाँ? बॉस ते यार अब क्या यार, देख रहा तू फेसबुक पे लगाऊं फिर भी दोनों ने काले सूट पहने हैं। है? तो ऐसा कर जिसने ब्लू टाई पहनी हो ना उसे उड़ा दे। बॉस यार अब ये मत बोल कि दोनों ने ब्लू टाई लगाई है। जी बॉस। ये भगवान इस मासूम की कैसी परीक्षा ले रहा तू, कुछ तो करना होगा। लाती रहा। अबे रुक जा। दी एंड, एक जो बचा उसे तोड़ा दे। जी बॉस। हाँ। जी बॉस। हेलो चाचा। हाँ वो चोर का पता चल गया है। वही चोर जिसने मेरा पेंडेंट चुराया था और जिसमें आपका पेंड्राइव भी है। चोर का नाम है अन्नू। हैं? अन्नू? यार ये कैसा नाम हुआ, मतलब आदमी है कि लेडीज है? नहीं नहीं आदमी है, जो चांदनी चौक के एरिया में रहता है और बहुत छिड़ोगिरी करता है। अच्छा मुझे वो आदमी चाहिए, मुझे वो पेंडेंट चाहिए, दिल्ली का कोना कोना छान मारो, हर हाल में मुझे वो पेंडेंट चाहिए, बस ओवर एंड आउट। जरूर हो जाएगा प्रॉमिस। हाँ बाय बाय। नकाज के दुश्मन अनाज के, सारा दिन एक ख्याली पुलाव पकाते रहते हो। ये जो कपड़े पड़े हैं ना इनको पहले सुखाओ। मुझे पार्लर जाना है, 15 मिनट में नीचे आओ, समझे? गुड मॉर्निंग गॉड फादर। गुड मॉर्निंग सन्स। बड़ा अकॉर्ड लगता है भाई गॉड। अच्छा अरे अपने ही घर में मुंडू बना दिए गए हो आप। अरे तो बाहर कौन सा पुतला लगा इनके नाम का भाई, बाहर भी यही हाल है, देले भर की इज्जत नहीं है इनकी, कुत्ता भी इन पर भौंक कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। किसका? ओ जी डॉगी, अपनी गली का वो कल्लू। कल्लू की छोड़ो भाभी की सोचो, सुननी पड़ती है बिचारी को जब बाहर निकलती है, लोग बातें करते हैं, ओ देखो उसकी वाइफ जा रही है, निकम्मे निठल्लू खाई गिरे की। ए, इसको जानता है? नहीं 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 जानता है। बॉस 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 बाहर कुछ सामने से लोग खड़े हैं बॉस, आपकी फोटो लेके आपको ढूंढ रहा है बॉस। अरे क्या बात कर रहा है आप?
खुद देख लो बस। अरे चलो देखते हैं। ये जो घूम रहे हैं, ये फोटो देख, पहचान इसे, इधर आसपास देखा है इसे? ए सुन, इसे देखा है कहीं आसपास? नहीं जी। गौर से देख इस फोटो को। नो, नेवर नेवर। कैसी बात करती हो बेटा? पुलिस कमिश्नर योगेंद्र प्रताप सिंह की बेटी और थीसिस लिखोगी चोरों पर और डाकुओं पर ना? पापा मैं तो, भैया देखो, तुमको थीसिस लिखनी है तो किसी और पर लिखो ना, जैसे कोई आम आदमी सडनली साधु बन जाता है, है? काफी लोगों को अदला कर देता है, बाद में खुद अंदर हो जाता है। पापा बात को समझने की कोशिश करो बेटा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी चोर और डाकुओं के साथ उठे बैठे। आई फील अनकंफर्टेबल। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पापा मैं भी पुलिस कमिश्नर योगेंद्र प्रताप सिंह की बेटी हूँ, डोंट वरी। ठीक है भाई, अगर तुमने डिसाइड ही कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे आप चार्ली को जानते हो? चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता, दुनिया का हर आदमी जानता है। व्हाट ए कॉमेडियन यार, वर्ल्ड का बेस्ट कॉमेडियन। पापा वो चार्ली नहीं, चार्ली वो चोर, डेली सिक्स वाला। राइट। उस चोर को कौन नहीं जानता? वो चोर, उसका बाप चोर, उसके बाप का बाप चोर, सच पूछो तो ये पूरा खानदान चोर। चोरी चोरी ये नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदे उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में ही है मजा। क्या पटिया अनुभव। आप दोनों यहां पर बैठिए, एक मिनट दोस्तों, वेलकम टू द चोर बाजारे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चार्ली की फैमिली, जो कि इस फ्रेटर्निटी की रॉयल फैमिली है, मेरे फैमिली में औरतें इस घर का हिस्सा कैसे बनी और कब बनी? सो हैव अ लुक। ये है मेरे परदादा, ये है मेरी परदादी। इनकी शादी। देखा? और ये है मेरी दादी जी। और ये है मेरे दादा। आए तो थे बैंक लूटने, पर लूट लिया दिल, कर लिया शादी का इरादा। ये आपका खानदान है के गजब है आप लोग, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। दादा महान है यार। सारे न्यूज चैनल भर रहे हमारे सिकर से, चुराते रहते हैं हम 24/7 फकर से, मानो इससे प्रोफेशन या खानदानी पैशन, दिल और माल दोनों ही हम चुराए, अपनी कारीगिरी दुनिया को शान से बताए। आओ सबका आज के जश्न में वेलकम है, अपने राज में जी लो बस फिर क्या गम है, बिगड़े नवाब है ना कोई हिसाब है, फेमस है अपनी यारी, चढ़ दे ये दुनिया सारी, चोरों की दुनिया के हम तो सरताज हैं। चोर बाजारी 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 करते हैं, चोर बाजारी 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 करते हैं, चोर बाजारी 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 करते हैं, चोर बाजारी बाजारी जाने ये दुनिया सारी, चोर बाजारी। अरे होगी कमिश्नर की बेटी, जाए मना कर दे। अच्छा मना कर दूं? करके देख ले बेटा, जो तू ये लोकल पुलिस को डोनेशन दे दे करके, मेरे जैक लगवा लगवा करके पुलिस के अंदर जेल के अंदर जाने से बचता फिर रहा है ना, माँ कसम बड़े बोलनी बोल रहा हूँ, जलेबी सामने रखी झूठी बोलूंगा, सारे कनेक्शन का एक सेकंड में शॉर्ट सर्किट हो जाना है। तू तो इमोशनल हो गया पगले, मैं तो यूं ही कह रहा था, देख मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ और किसी डर के नहीं कर रहा चार्ली, बोल देता हूँ। ओके okay.
कॉम्प्लीमेंट्री जूस ले आता हूँ मैडम, ओके? नो, इट्स नॉट ओके। कमिश्नर की बेटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सब कुछ फ्री में ऑफर करें। एंड वेट, कहीं आप मुझे ब्राइब देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? एक फोन घुमाऊंगी ना तो ये रेस्टोरेंट बंद करा दूंगी, समझे? एंड वैसे भी हम कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करते ही, एंड दैट्स कॉल्ड एटिकेट। नाउ कम ऑन, गेट मी अ ग्रीन टी। ओके मैम। चार्ली बेटा, लाइफ की ना चीप हो जाएगी बहुत बड़ी, खिसक ले तू। Excuse me? Oh, you, Mr. Charlie. Sit down. तो Mr. Charlie, कमिश्नर की बेटी से आंखें चुरा के भाग रहे थे। Listen, and listen very carefully. Don't try to be smart with me. आज से अगले 6 महीने तक तुम मुझे रिपोर्ट करोगे। किसी भी टाइम पे मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। और हाँ, आज से किसी भी तरह की चोरी करना बंद। And first of all, तुम्हें ये एनओसी लेटर साइन करना होगा। एंड मिस्टर, यू बेटर स्टार्ट बिहेविंग एज आई वांट, नहीं तो एक कॉल डैड को करूंगी एंड यू विल बी बैक इन जेल। अंडरस्टैंड? एक पेन मिलेगा प्लीज? तू दोस्त है दुश्मन? कहाँ भेज दिया तूने मुझे? चील की आंखों में काजल लगाने को भेज दिया? देखा है उसको? एक दिन भी साथ में रहता ना, चार्ली का ब्रूसली जाना था, ब्रूसली। रात को ना तेरे ही सपने में आके तेरी छाती में बैठ के तेरे बाल नोच के तेरा खून चूस जाता मैं। साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, कमिश्नर की बेटी। साइकोलॉजी का मतलब पता है उसे? साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, दूसरों की मन की बात को जानना, दिल की बात को समझना, दिमाग के अंदर घुस के समझना, फिर बात करना। नहीं, छोटे कपड़े पहने, बैग लटकाए, आगे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। बस चुप हो जा, चुप हो जा भाई, बस चुप हो जा। मैं चुप क्यों होऊंगा? मैं बोलूंगा तो सुनेगा तो दोस्त है मेरा। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, स्वीटी मैडम के लिए ऐसी बात बोल रहा है? वो देवी है, वो हीरा है, सोना है, चांदी है, नीलम है वो। हैं? अबे तुझे क्या हो गया अचानक साले? तू क्यों उसके नाम की ज्वेलरी शॉप इस चांदनी चौक में खोल के बैठ गया? सुबह तो तू कह रहा था कि वो लड़की ही नहीं है। देख भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, बस भाई गलती हुई। अब समझ में आया बेटा, फट्टू है तू, फट्टू चंदो का तू, मैं नहीं हूँ फट्टू, समझा क्या? मैं नहीं करता किससे, जा बोल दे उसको चार्ली नॉट इंटरेस्टेड, नहीं लिखानी कोई थीसिस वीसिस, जो करना है कर ले। तो तू ही बोल दे। अरे तो लाना सामने, अभी बोल देता हूँ। मैं क्या डरता हूँ कि किसे खाया है क्या? कोई भी होगी, कमिश्नर की बेटी होगी चाहे सीएम की बेटी होगी। हाँ बुला। अबे तू क्यों ऐसी शक्ल बना रहा है जैसे पीछे ही खड़ी हो? पीछे ही खड़ी है क्या? अब राम नाम सत्य बोल के पीछे मुड़ जा, तेरा अंत समय आ गया बेटा। जस तुम हाँ मैं, आई डोंट केयर, आई डोंट रियली केयर कि कोई भी मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं जैसी हूँ हूँ, और वैसे भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चुपचाप ये एनओसी लेटर साइन करते हो या फिर, क्योंकि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाकी की फॉर्मेलिटीज डैड पूरी कर लेंगे। मेरी बेटी को मना करता है? पापड़ सेको, ले आओ अब सिक्के। कल मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, ओके? लाओ जी। अरे रे रे रे, माँ। अरे माँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझ गई समझ गई। पुत्र जी, व्हाट इज योर नेम असल? स्वीटी। स्वीटी, व्हाट ए नाइस नेम असल। वैसे पुत्र जी, कब से हो इस प्रोफेशन में? किस प्रोफेशन में? अरे जो तू करती है, इसमें एम्बैरेस फेल करने की क्या जरूरत है? जॉब इज जॉब। अब देखना ये चार्ली, इसके डैडी, उसके डैडी के डैडी, हमारा तो पूरा खानदान ही इसमें घुसा पड़ा है। सुन, कभी कोई बड़ा हाथ मारा है? अरे माँ, ये पुलिस पुलिस का नाम मतलब मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे होने लगते हैं। पुत्र जी, इस प्रभूषण में पुलिस का तो खतरा बड़ा रहता है,
पर अगर हम पुलिस से इतना डरेंगे तो फिर कार कैसे चलेगा, बता दूं मुझे है? अरे माँ बात तो सुन ले मेरी। तुझसे तो मैं बात करती रहती हूँ, पहले पुत्र जी से तो बात करने दे। फ्रैंकली स्पीकिंग, तो जो मैं नहीं चाहती थी कि इस लैंड की लड़की हमारे कार में आए। क्या है कि लड़कियों के लिए बहुत रिस्की है। अब सोच, कल तू लूटने गई वही लुटपुट के आ गई तो हम क्या कर लेंगे? पर कर भी क्या सकते हैं? अब हमें कमिश्नर की लड़की तो मिलने से रही। पुलिस कमिश्नर की बेटी ये खड़ी है। चोरनी नहीं है? अरे कमिश्नर की बेटी चोरनी कैसे होगी माँ? तो फिर बहू कैसे बनेगी? अरे कौन बहू, किसकी बहू? साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, साइकोलॉजी की थीसिस लिखने आई हम पर। पुत्र जी, इससे पहले जो मैं कह रही थी ना, वो सारा मजाक था। यू नो आई एम वेरी मजाकिया टाइप ऑफ पर्सन। और बल मर जाने हो, पहले बताना चाहिए था ना। ये थी मेरी माँ, मिल लो। सोच समझ के बात करना। समझना क्या है, समझाना तो है। वैसे लड़की बिल्कुल फिट है हमारे चार्ली के लिए। अच्छा, पुलिस कमिश्नर की बेटी है? कमिश्नर, कमिश्नर कहते हैं उसे, पुलिस कमिश्नर। वैसे भी पुलिस हमेशा लेट ही आती है, हमारे लिए लकी है पुलिस। ओहो, पापा आप अभी तक यहीं पर हैं? जाइए, रुकिए, सुनिए। क्या? उसके दिमाग से ना थीसिस निकाल दीजिए, चार्ली अपने आप निकल जाएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। अरे बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। जाइए। एक मिनट, बटन बंद करता हूँ। हेलो। बैठिए बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। तो आप ही हैं जो चोरों पे एक नॉवेल लिख रही हैं? नॉवेल नहीं, थीसिस। थीसिस, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। चार्ली ने बताया, चार्ली मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम, बहुत होनार, बहुत डैशिंग और बहुत चार्मिंग लड़का है, पता है? हाँ, हाँ पता है। मैं आपका एक फोटो ले सकती हूँ? ओ प्लीज, लेकिन चार्ली की तस्वीर लेना मत भूलिएगा प्लीज। हाँ हाँ ले लूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। सब लोग यही पूछते हैं जी कि आपका बेटा इतना इतना डैशिंग, इतना हैंडसम, इतना फोटोजेनिक कैसे है? जब वो लाल टी शर्ट और गॉगल पहन के निकलता है ना, तो सारे मोहल्ले की लड़कियां छत पे आ जाती हैं, खिड़की में आ जाती हैं देखने के लिए। वैसे शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? सॉरी, मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ कि आप मेरा? सॉरी, आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। सुना है आपने चोरी करना छोड़ दिया? इतने कामयाब चोर थे तो छोड़ा क्यों? ओ बड़ी लंबी कहानी है, रहने दीजिए, दूसरा सवाल पूछते हैं। नहीं, 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 मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ। आपने सिराज उद्दौला का नाम सुना है? सिराज उद्दौला बहुत बड़ा किंग था। उसके पास एक पान का डिब्बा था, बड़ा कीमती डिब्बा था पान का, प्रगति मैदान में एग्जीबिशन में रखा हुआ था। देश के सारे नामी गिरामी चोर वहां इकट्ठा हो गए थे उसे उड़ाने के लिए। पुलिस भी चौकन्ना थी, सबकी आंखों में धूल झोंक के मैं भी वहां पहुंच गया। वाव। यस वाव। देखता क्या हुआ? क्या? डिब्बा चोरी हो चुका था। फिर? फिर क्या, उसी टाइम तय कर दिया आज से चोरी करना बंद। मैंने मेरे जूते निकाल के वो जो डिब्बा था पान का उसी जगह रख के नंगे पाव घर आया। So sad. Happy भी, मतलब गम और खुशी ने दोनों ने एक साथ अटैक किया था मुझ पे। मैं कुछ समझी नहीं। गम इस बात का था कि मेरे होते हुए किसी और ने वो डिब्बा उठा लिया था, और खुशी इस बात की थी कि वो डिब्बा उठाने वाला कोई और नहीं, आपका अपना चार्ली था। मेरा? सॉरी, हमारा अपना चार्ली था। चोरी में इतनी महारत हासिल कर गया है कि क्या बताऊं, एक के बाद एक। ओके, बस बस बहुत हो गया, जितना बोलना था ना बोल दिया, बस पकड़ो सब, इंटरव्यू खत्म और चलो तुम। अरे बेटा अब कहाँ, अभी तो स्टोरी की शुरुआत हुई है। पापा, स्टोरी जितनी बोलनी थी ना आपने काफी बोल दी, आगे की थीसिस पार्ट टू के लिए बचा लो, बाकी मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच। चलो स्वीटी, सी हाउ डैशिंग ही इज। पुत्र जी आपने कुछ लिया नहीं? चाय कॉफी कुछ कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं, फिर कभी। आप बता के तो जाओ हैं। अकेले में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तब जाकर तो संसार बनाएंगे। वाह,
तीन प्लेट समोसे, तीन प्लेट बड़ा पाव, तीन प्लेट दही बल्ला, तीन प्लेट जलेबी, लंबी वाली सिगरेट और एक चाय। हरामखोर, ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है जैसे मेरी बारात में आया हुआ हो। अरे वो तो भला है उस आदमी का, चार्ली का, 10% कमीशन देता है तो चाय वाय पी लेते हैं, नहीं तो ये अंडे के छिलके खाने पड़ते। अरे बारात तो आप हमारे निकाल रहे हो, जरा सी चाय क्या मंगवाती तो ऐसे फैल रहे हो जैसे। अरे चमचे आपके, अरे कड़छी बोलो, कड़छी। हाँ, और कड़छी को बच्चों की तरफ पाला जाता है, ऐसे ही कोई गॉडफादर नहीं बन जाता। अरे तो कड़छी भी गॉडफादर के लिए कुछ करती है। अरे उस बंदे का पता नहीं लगा पाए जिसने इतने दिनों से मेरी फिरनी लगा रखी है। ए चार्ली, आपको डीजे बना रहा है। चार्ली तो मेरी बड़ी इज्जत करता है, वो ऐसा क्यों करेगा? खुंदक खाता है आपसे, खुंदक। पहली बात, ये शक्ल पसंद नहीं है उसको। दूसरा, हर चोरी पे 10% कमीशन लेते हो। क्यों कमीशन देगा, जब आप ही फंस जाओगे तो कौन कमीशन लेगा? ओए, तो ये चार्ली है जो इतने दिनों से मेरा डीजे बना रहा था। हाँ, अब बजाऊंगा मैं बैंड उसका, बजाओ, वो भी पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ। चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है। तीन चार दिन चोरी नहीं करता हूं तो बहुत शर्म आती है। क्या बचपन से ही ना मेहनत करने की आदत है, खाली हाथ बैठा नहीं जाता। अभी तो खाली हाथ ही बैठे हो। मोहतरमा, ये तुम्हें लग रहा है, तुम अपना काम कर रही हो और मैं अपना। सर। वेटर बिल देखकर पैसे लेता है और वो तुम्हें पैसे दे रहा है। माल दिया और माल लिया। कैसा माल? Excuse me, आपने मेरा टैब देखा क्या? वेटर, वेटर, मैं वहाँ बैठी थी, आपने मेरा टैब देखा? No ma'am. Oh my God. अंदर आते ही देख लिया था, 50,000 का लेटेस्ट टैब था। जानू जल्दी आओ। I'm waiting यार, please excuse मत दो। एक घंटा हो गया तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्या हो गया? बॉयफ्रेंड को उसकी चिंता नहीं थी और उसे टैप की। सर, ये क्या था? कैमरा। उसे म्यूजिक का बहुत शौक था। बच्चा दिया। Amazing. Okay. ये जरा संभाल कर रखना। हम मेरा फोन भी तुमने? अरे बचा लिया, मेरी बिरादरी वाला लेके जा रहा था और मैंने उसे पकड़ लिया। थैंक यू चार्ली, बट उसने ये चुराया कैसे? अरे ये क्या, चोर बाजारी में एक से बढ़कर एक चोर बैठे। आप मिलते जाइए, मैं मिलाता जाऊंगा। I'm bored. No problem. Let's party. Here we go. Hey. Masha Allah. Let's party, party. Bijli si teri ye ada. Let's party, party. Aana che ho ke beparwa. Let's party, party. तेरी आँखों में है नशा। Let's party, party. लगती तुम मुझको शकीरा, ले बाहों में और माँ तू कैश कर ले। सारी रात यहाँ मस्ती में ऐश कर ले। वोडका शॉट है ये, हैव इट एंड डांस कर ले। और इस बात पे आज झूम के नाचेगा। हाँ, 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 हाँ,
She's a naughty, hottie, naughty, hottie. Kaise pisle, na dil mera for you, my shawty. Is dil ki panjarani, na kar baby manmani. Kar do ye raat suhani, come on Bobby, let's get naughty. Kar do a bottoms up, ho jao desi sub. Let's get the music up. Maal kiske paas hai? Pump it up and shake it down. Pump it up and shake it down. Pump it up and shake it down. Let's get this party on the ground. दिल ये गोरिया चली अभी बड़ी हुई मैडम मूर्ख बनी ठुमका लगा के बरेली के बाजार में डिस्को करने आई बेबी घुस गई सीधा बार में जे नाइट है यहाँ सेटिंग टाइट है यहाँ पैसे उड़ाऊंगा कहाँ चुरा के आऊंगा यहाँ रे आंखें नीचे 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 जाएगी कहाँ के मेरे पीछे 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 आएगी यहाँ Jump! बहुत पानी फेंकने का शौक चल रहा था। ए चल रहे तेरे चार्जर टार्ली चल। अरे भाई जान दे लड़की ने छोड़ दे। चल रहे जा रहे। अरे लड़की को छोड़ दे जान दे भाई। क्या करेगा? हट साला। हट। हट। चंपू का ध्यान भटकाओ। उसके संभलने से पहले पूरे फोर्स से एक बॉडी शॉट। अब उसके राइट पंच को एल्बो से ब्लॉक करो, लेफ्ट पंच को झटके से दूर करो और अब झन्नाटेदार कंटा। नाउ मोहम्मद अली पंच सीधा चपड़े पर और अब लेफ्ट गाल पर पप्पी। और अब पीछे होकर छाती पर एक जोरदार किक। द एंड। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इससे पूछते हैं। भाई साहब वो चार्ली को ही देखा है? चलो। तू कौन है रे?
ये लो बता इसको ये चार्ली के अन्नदाता है भाई साहब पता ही तो पूछ रहे थे बस करता धरता है चार्ली को पैदा किया इन्होंने चलना सिखाया और भाई साहब अरे तुम लोग चार्ली की पिटवा रहे हो बता रहे हैं चार्ली ट्यूशन लेता है इनसे इनसे बड़े आदमी अनु भाई भाई साहब आप जानते हो नहीं फ्रेंड अरे तो इसको बोलने दो अरे अब क्या बोलूं अरे तुम लोग बचा रहे हो कि पिटवा रहे हो बता अरे 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 अब समझ में आया इतना सन्नाटा क्यों है भाई भाई चार्ली 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 क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं के लिए इतने चार्ली क्या सोच रहे थे मैं सोच नहीं रहा था मैं सो रहा था खुली आंखों से जैसे घोड़ा खड़े खड़े सोता है ना हम चोर भी आके खोल कर सोते हैं क्या हमें भी हमारा माल चोरी होने का डर है ना तुम भी ना वैसे मैं कुछ सोचता वोचता नहीं हूँ एक बड़े महान व्यक्ति का है कि लाइफ मजे से जीनी है ना तो सोचने का नहीं और ये महान व्यक्ति कौन है मेरे पापा वैसे तुम क्या सोच रही थी तुम मेरे लिए लड़े क्यों ये सोचने वाली बात है मैं लड़ा क्यों एक कुछ भी हो सकता चोट लग सकती थी जान जा सकती थी मैं लड़ा क्यों मुझसे पूछ रहे हो नहीं मैं सोच रहा हूं कि मैं लड़ा क्यों कुछ भी हो सकता था ना तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना इसका अफसोस है तुम्हें अरे नहीं रे तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ बट मुझे कुछ हो गया है क्यों तुम्हें कोई चोट लगी कल रात हाँ लगी तो है क्या कहाँ अरे 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 पकड़ो पकड़ो अरे 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 गुड्डी बेटा मेरी गाड़ी पकड़ो अरे कोई है अरे मेरी गाड़ी अरे 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 मेरी गाड़ी जो आए नजर हो जाए
रिश्ता कोई और क्या है वो मेरे खुदा स्टैचू स्टैचू खेल रहा फोटो खींच ठीक से खींच अरे यहां तो मार पिटाई चल रही है अरे यहां का लेके अरे ले बचा बड़े भाई मेरी गलती क्या हो गई बता दो हम ओबलाइज कर लेंगे अरे छोटे भाई हम आपके गलती बच्चों से ही होती है ना अरे ले ले सो जा रे वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास मेरा पेंडेंट कहाँ है बता दो और दो चीजें बचा लो मेरा वक्त और अपनी जान वेयर इज द पेंडेंट हमारे पास तो यही पेन है ड्राइवर का पता नहीं बड़े भाई मार रहे हैं मैं नहीं पेंडेंट पूछ रहा हूँ मैं ये तुम ही हो ना सो क्यूट उस्मान चालू हो जा सेम टू सेम कपड़े उतार के नहीं 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 ब्लैक माउंटेन जी काला पाड़ जी फोटो इसकी है तो हमें क्यों उठाया है और फिर मैं तो बोलता हूँ इसमें भी चार्ली का ही हाथ है अच्छा बेटा पिटाई की बारी आई तो गेम बदल दिया तुम लोगों ने मैं समझ गया ये उसी चार्ली का काम है नंबर एक का चोर है दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है उसकी चोर बाजारी उसी लेके होगा बड़ा भाई पक्का 100% पक्का उस्मान चार्ली चाहिए मुझे मिल जाएगा भाई मुझे ढूंढ रहे हो हाँ भाई आओ बैठ 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 तेरे से बहुत अर्जेंट काम है भाई सारी दुनिया तुझे ढूंढ रही है लेकिन एक मैं हूँ जो तेरे फायदे के लिए तुझे ढूंढता हूँ अच्छा अरे मेरा मतलब मेरे फायदे के लिए लेकिन तेरे से थोड़ा कम बोलो ये देखो ये क्या है रामायण है रामायण जीवनलाल रामायण पढ़ने का शौक हुआ है
तो बाजार से ले आओ। अरे ये बाजार में बिकने वाली रामायण नहीं है, 500 साल पुरानी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, राजा भोज के पंत शास्त्री ने इसको लिखा। हाँ? उनके मंदिर में इसकी पूजा होती है। अब उन्हीं की फैमिली का एक लड़का महेश शास्त्री इसको बेचना चाहता है। मैंने वैल्यूअर से पता किया, 5-7 करोड़ तो आसानी से हाथ लग सकते। ठीक है, ये भी कर लेते। मैंने महेश शास्त्री के बंगले की अच्छी तरह से रिपोर्ट निकलवाई। हाँ, अच्छा? हाँ, उसकी बाउंड्री वॉल पर बिजली का करंट फैला हुआ है। उन तारों को नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। और हाँ, होशियार रहना, घर का मेन दरवाजा भी तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। अच्छा, एक और रुकावट है। ये जो तिजोरी बनी है वो जर्मन टेक्नोलॉजी की है। उसके कोड को क्रैक करना बड़ा मुश्किल है, मगर मेरा चार्ली सब कुछ कर सकता है भाई। वो तो है। अरे ओह, बज गई घंटी, बज गई घंटी, मतलब मेरा काम हो गया। क्या चोरी हो गई? अरे गए 5 करोड़ हाथ से, गए 5 करोड़ हाथ से सत्यानाश। अरे बाबा, तुम क्यों हल्ला कर रहे हो, क्या हो गया? अरे रामायण चोरी हो गई ना। रामायण नहीं, कुछ और बात है। है? हेलो, नहीं नहीं चलो मैं आता हूँ। अच्छा अच्छा, अरे प्रभु, रामायण चोरी नहीं हुई, धन्यवाद। आखिर चोरी हुआ क्या है? कीमती था? बहुत कीमती था, तो संभाल कर रखना चाहिए था ना। संभाल के तो रखा था, फिर भी चोरी हो गया। वो ब्रेसलेट तूने चोरी हुआ? ब्रेसलेट? अरे वही, गुरुवार का दिन था, तुम और मैं, हम दोनों चोर बाजार गए थे 5 बजे। हाँ, तुमने ग्रीन टॉप और ब्लू जीन्स पहनी थी। तुम्हारे राइट हैंड में एक ब्रेसलेट था, उसमें 5 पर्पल कलर के मोती जड़े हुए थे। नहीं, वो नहीं। अच्छा, समझ गया। वेनस्टे को 1 मिनट के लिए तुम मुझे मॉल में मिलने आई थी, तुमने पिंक ड्रेस पहनी हुई थी। तुम्हारे पास गोल्ड की क्यूट सी कीचेन थी, जिसमें बारीक अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। उसके चोरी होने के फुल चांसेस थे, वही चोरी हो ना? कमाल है, तुम मुस्कुरा रही हो, बड़े गौर से देखते हो तुम मुझे। अजी धंधा है जी, दिमाग से पहले आंखें काम पर लग जाती है। मैं दिल की चोरी की बात कर रही हूँ और ये चोर समझ ही नहीं रहा। तुम्हारी चीज चोरी हुई है और तुम हंस रही हो, मैं परेशान हो रहा हूँ। हाँ? अब अपनी चीज वाली बातें बंद करो और अपने घर जाओ, वरना तुम्हारे पापा बुलाकर मेरी परेड लेंगे। हाँ, पापा तो तुम्हें बुलाएंगे जरूर। इसका मतलब चोरी मैंने की है? चोरी चोर ने की है। एनीवे, मुझे लाइव चोरी देखनी है। उस दिन तो देखा था, उस दिन हाथ की सफाई थी, बड़ी चोरी देखनी है। वो वैसी चोरी मैं अकेले करता हूँ, उसमें क्या टेंचर होता है। तुम्हारे होते हुए क्या टेंचर? बहुत डेंजर से खेलने का शौक है ना, आजा। यही बंगलो है? हाँ, यही बंगलो है। जाएंगे कैसे? ये बाउंड्री से जाएंगे। हाँ, तो चलते हैं। अरे रुको।
फिंगरप्रिंट्स पता चलेगा डिजिट्स कौन से थे। कमान 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 ये रहा 1 2 बस दो डिजिट प्रेस हुए दो बार हुए यस देखो तो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है उधर? वॉचमैन? अरे रामायण? ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी सिस्टम तो ए, माला लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। ओह शिट! क्या हुआ? मेरा मोबाइल कहीं गिर गया। ओह गॉड! तुम तो अरेस्ट करोगे मानोगे? मैं क्या तुम? एक रामायण ही बची थी हमारे पास, उसे बेचकर हम ये लोन चुका सकते थे। अब हमारा घर नहीं बचेगा, अब हम क्या करेंगे? कोई रास्ता भी तो नहीं बचा हमारे पास। कल बैंक वाले आके इस घर को नीलाम कर देंगे, सब कुछ खत्म हो गया। जिसने भी रामायण चुराई भगवान उसे कभी सुखी नहीं रखेगा, बर्बाद हो जाएगा वो, तबाह हो जाएगा। नहीं माला, ऐसा नहीं कहते। उसकी किस्मत में रामायण थी और हमारे भाग्य में आत्महत्या। पापा पापा, हाँ? मुझे नींद आ रही है, कल स्कूल भी जाना है ना? हाँ बेटा, अब हम गहरी नींद सोएंगे और तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। गहरी नींद में सोएंगे, तुम्हें अब कभी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा बेटा। कौन है? कौन है? कौन है? सुनिए, रामायण तो यहाँ है। रामायण? ये रहा फोन। थैंक गॉड। कितनी जोर से मेरा दिल धड़क रहा है। सॉरी, सो सॉरी चार्ली। थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू फॉर व्हाट? तुम्हारी एक गलती ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। फिट इधर, इस तरफ। अरे अरे हट, अरे का क्या? हट। रुक रुक रुक, अरे रोकेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? चल जाना तो। अरे इसमें नहीं जाएंगे तो ऊपर चल जाएंगे। चल अरे आ गए, कहाँ गया वो? वहाँ गया? नहीं भाई उधर गया। नहीं नहीं इधर गया। अरे नहीं यार इधर गया। अरे नहीं इधर गया। हेलो कहाँ गया वो? वहाँ कहाँ गया? हरा और अरे अरे मेरे भी बच्चे, नहीं मारूंगा, पता तो कर लो कहाँ गया है। इधर गया। ठीक है वहीं देखते हैं। पापा को पता चलेगा तो क्या? तुम्हें पता है? शिट, तेरे को जाना है, जा उधर। अरे रोको रे, बस रोको। हैप्पी द डैडी, तुसी एक दिन भी दारू के बिना नहीं रह सकते। ओए हद करके रख दी। कोई दिन थोड़ी है, रात हो गई रात, और तेरे को तो पता है रात को इसके बिना मेरे को चलता नहीं है। क्या चलता नहीं है? ओए दारू दारू। ओए बस आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है, छोड़ो। मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। बस सो जाओ, तुसी सो जाओ, हुड़ चुपचाप सो जाओ। वड्डी वड्डी बातें दार जी नाल तो मैं तो पक गई। अरे चुपचाप सो जाओ, पता नहीं कब सुधरेंगे। Thank you.
लिए है। तो पी लेना हल्ला करी। थोड़ा डिफरेंट है। क्या देख रहा? प्यास लगी यार मुझे भी। लो। थैंक यू। सरदार सही है। ये ले। पकोड़े ला भाई। चाली, चाली, इतनी जल्दी मुझे आ गई। सो सून। ये कौन है? मुझे छोड़ के तुम यहाँ बैठ के पकोड़े खा रहे हो? वो ये पीछे। That's very bad. अच्छा एक बार कम आ, थोड़ा दिम। चलो, चलो उठो चाली। की कर। पूरे हैदराबाद में ऐसे पकोड़े नहीं मिलता भाई। काई कुपे का मेरे पकोड़े को? क्या रिपोर्टी, क्या समझती रहती अपने आप को? बोल अभी, बता क्या कर लेगा? चल अभी मेरे पकोड़े ला के दे। बता बता। ये देखो रे, देखो रे, आज की तारीख का देखो रे, ये पोटी का मैं क्या हाल करता रे, मेरे उस्मान भाई के होटल के पकोड़े फेंक रहे। चल पकोड़ा लेके अबे चल। ओ भाई साहब, भाई साहब सही बोल रहे। भाई साहब भाभी अब सही आ रही हो? इसका तो करेक्टर ही खराब है। पकोड़ा ला मेरा। काम करो आप, नीचे उतर रहे हो, सबकी नींद खराब हो रही है। नीचे उतर रहे तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मेरे पापा पुलिस कमिश्नर है। अरे मैडम, तुम्हारे पापा पुलिस कमिश्नर हो? या टुल्ला, उससे उस बस को क्या मतलब है? सारी गलती तुम्हारी है। पागल हो गए हो क्या? अच्छी खासी लाइफ जी रहा था, ये थीसिस के चक्कर में 12 बज गए। हाँ 12 बज गए। अरे आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें समझा रहे इडियट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। चार्ली, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अरे बाबा सॉरी, कह दिया ना, गलती हो गई मुझसे, नशे में थी।
देखो इधर चार्ली, चार्ली, तुम अब भी मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, तुमने सॉरी कह दिया ना, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई चार्ली, मैं नशे में जरूर थी, लेकिन मैंने तुमसे जो भी कहा दिल से कहा, प्लीज। मेरी प्रॉब्लम यही है स्वीटी, तुम्हें पता है मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। हो सकता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार हो, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। आखिर क्या बुराई है मुझ में? बात अच्छाई बुराई की नहीं है, मैं तुम अच्छी लड़की हो स्वीटी, पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से हो, थीसिस कंप्लीट करो और अपनी लाइफ बनाओ। लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। नहीं, अपने आप को धोखा मत दो चार्ली, तुम्हारी जुबान कुछ और, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। प्लीज प्लीज। चार्ली, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं हारा जैसे टूटा हुआ हो सितारा, बस आंसू बस ये आहे, मेरे हिस्से में है दर्द सारा, सपने आंसू बन के सब मेरे बह गए, सारे अरमां मेरे दिल में रह गए। And I'm so lonely, yeah. There's a better place than this emptiness, yeah, 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 yeah. अकेले अकेले मैंने रो रो के पल पल गुजारा, मैं तरसा हाँ मैं तड़पा, तूने लेकिन कभी ना पुकारा, गहरी तन्हाई है साथ में से ही हो। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द
आशिक तेरा better place than this emptiness and I'm so lonely yeah. There's a better place than this emptiness yeah 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 Jenny tumne mere sath aisa kyun kiya maine to sachcha pyar kiya tha tumhare diye dard ko na seh pa raha hu na keh pa raha hu zakhm chupaye phirta hu डरता हूँ कहीं मेरे आंसू तुम्हें बदनाम न कर दें आज हर लफ्ज झूठे लगते हैं हर निगाह में फरेब दिखता है अरे अरे ये लक्ष्मी बम क्यों लगा रहे हो आप अरे अरे कहाँ फंसवा दिया अरे भाई साहब फुस्सी तो नहीं निकलेगा ना ये जो बम तुम्हारे चरणों में रखा हुआ है सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में दे दो इस बॉम्ब को ऑटोमेटिक डिटेक्टर बॉम्ब कहते हैं इसकी खासियत यह है कि जैसे ही मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा यह ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा एक मिनट उसके बाद बूम सब कुछ फटेगा भी लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे सवाल का सही सही जवाब दे दिया तो सब ठीक हो जाएगा यह ठीक उसी तरह ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा यू आर सेफ समथिंग लाइक सच का सामना लेकिन मैं इस खेल को मौत का खेल बुलाता हूं द डेथ गेम तो मेरा पहला सवाल पेश है आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन्स पर ओह मतलब मेरा पहला सवाल माय फर्स्ट क्वेश्चन क्या तुम लोग चार्ली से मिले हुए देखिए बड़े भाई इतनी सी बात के लिए लक्ष्मी बम बांधने की क्या जरूरत थी आप पूछते तो मैं बता देता ना आपसे थोड़ी झूठ बोलूंगा अब देखिए चार्ली आपका दुश्मन हमारा दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है अबे अकल के दुश्मन मुद्दे की बात कर जल्दी बॉल फटने वाला है रिलैक्स लेकिन तब तक तो हम चले जाएंगे कहाँ चले जाएंगे बंधे हुए हैं हम उल्लू कौन ऊपर देखिए पार्टनर भाई बात यह है कि हमारी चालीस से थी थोड़ी बहुत दुआ सलाम तीस सेकंड बचे हैं बोल जल्दी अगर हमें पता होता कि वो इतना बड़ा हरामी है तुम कौन क्या 15 सेकंड बचे हैं तो मैं कभी भी अपना मुंह उसके मुंह से कभी नहीं लगाता अब अंधेरा आ गया आंखों के आगे दिखना बंद हो रहा है जल्दी बोलना हम चार्ली को नहीं जानते फटा क्या सही जवाब वेल प्लेड अरे तुम लोगों ने आंखें क्यों बंद कर ली सही बोल रहा हूं नहीं फटा अगर आज मैं सचमुच बच गया तो मैं बेकरी में आटा गूंद लूंगा रंगीन पानी का ठेला लगा अरे यू मिडिल क्लास पर इस कमीने के साथ कभी काम नहीं करूंगा तो मत करना भैया दूसरा सवाल क्या मेरा पेंडेंट चार्ली के पास है तो मैं तब से क्या बोल रहा हूं सब कुछ उसी का किया धरा है एल्डर उसी ने फंसाया हमें हम तो इनोसेंट है बड़े भाई अबे राम कथा शुरू कर दी वाया वाया आने की क्या जरूरत है सीधा बोलना बोल समझाने तो पड़ेगा ना फट जाएगा ये अरे नहीं फटेगा भैया समझ जावत रहा देख कुत्ते जैसी हालत हो गई हमारी दिल्ली में ना घर के ना घाट के हमें भी हर्ट होता है हमारे भी मम्मी पापा हैं, है ना भैया बस साले फट हम रहे हट तू हो रहा है अरे तो फटने में भी हर्ट होता है मरवाएगा ये देखिए एक बार कहूं बड़े भाई ये चोरियां उसी कमीने चार्ली ने की हैं तुझे तो चुप कर और जब सारी चोरियां उसी ने की हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पेन ड्राइव भी उसी के पास होगा अगेन राइट आंसर थैंक यू प्लीज अब मेरा तीसरा सवाल चार्ली कहां मिलेगा अभी सोच कर बोलना जल्दी फिर से शुरू हो गया बाबू इतनी क्या जल्दी बोल क्या हम पटने को है और हम मरने को है अभी काय का गोड भद्र तो मरवाने लाया था यहाँ पे मम्मी हम तो पटने वाला है मरने वाले हैं पक्का जाने वाले ऊपर आज तारीख क्या है अरे काय की डेट जवाब दे जल्दी अरे आज तारीख की पड़ी है या अरे आज तारीख क्या है 16 मई
16 मई बॉस मैं बता सकता हूँ कि चार्ली कहाँ मिलेगा है? 16 मई साल के हर 16 मई को वो चर्च जाता है, कोई इमोशनल मामला है। हाँ बॉस, 4 से 7 के बीच आपको वो वही मिलेगा। ब्रिलियंट जवाब, वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेले आप लोग। अब इस शो का आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल। अरे कितना पूछता है यार। महाभारत के युद्ध में जो जो लोग मरे थे उनके नाम बताइए। अल्लाह हाफिज। हम तो आज मरने वाले हैं। बताओ। हेलो कालापाड़ जी। अरे इजी है, सूर्पनखा। अरे कहाँ जा रहा है, मेरी बात तो सुनो। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं कुत्ते, एक बार और सोच ले। अरे क्या कर रहे हो? बहुत सोचा माँ, उसके बाद ये डिसीजन लिया मैंने। अरे चार्ली, ओ चार्ली, ओ चार्ली तुम यहाँ हो? अरे वहाँ रामायण क्या छोड़कर आ गए तुम, राम जी का आशीर्वाद हो गया। एक नायाब चीज आई है, अशोक का होटल है रूम नंबर 1। मेरे बेटे ने चोरी करना छोड़ दिया है। क्या? हाँ। चोरी करना छोड़ दिया तो खाएगा क्या, करेगा क्या? वो अफ्रीका जा रहा है, तुम्हारे बेटे के साथ मिलकर कुछ करना चाहता है। अरे रे रे रे, सदमे पे सदमा, मेरा बेटा तो नालायक है ही, इसको भी नालायक कर दिया। अब इस उम्र में मैं चोरी करूंगा क्या? कैसे चलेगी मेरी चोर बाजारी? नहीं 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 नहीं, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। एक मिनट बात करता हूँ। हेलो 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 नालायक, ओ जंगली। सुनो, तुमने चोरी करना छोड़ दिया, बड़ी खुशी की बात, पर ये शहर छोड़ के क्यों जा रहे हो? हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो बेटा? राजा पुत्र, राजा पुत्र, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर रहना चाहता हूँ इस शहर से। क्यों? बेटा ऐसी कौन सी बात जो हमसे छुपा रहे हो? क्या है? बोल। बोलो ना बेटा। बहुत मुश्किल से एक बार टूटकर जुड़ा हूँ पापा, दोबारा बिखरने की हिम्मत नहीं है। हेलो पांडे जी। छोटी बेबी कहाँ हो आप? वो चार्ली को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? वो उसको लेकर के दरियागंज गोडाउन गए हैं, आप जल्दी आ जाओ। मैं भी आती हूँ, मैं पहुँचती हूँ। अरे बोला ना नहीं है मेरे पास। नहीं 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 नहीं, लॉयर लॉयर ना यार, अंकिल जो झूठ बोल रहा है, लॉकेट इसी के पास है। मैं तो बोलता हूँ और ठोको बोलेगा। ए मारने वाले अंकल, और मारो ना। मार क्यों रहा है यार? अबे बता ना फिर कहाँ है लॉकेट? कौन सा लॉकेट? कौन सा लॉकेट? वही लॉकेट तो तूने पहाड़गंज से चुराया था, चोरी करके फोटो गॉडफादर का चिटका दिया था इसी की वजह से। ऐसा कब किया मैंने? अरे कब किया, कब नहीं किया, अरे पता है इसको। तेरी माँ का था। अगर मुझे मेरा लॉकेट नहीं मिला तो सबको उड़ा दूंगा मैं। एक सेकंड चाचा, याद तो करने दो चाचा। अबे कौन चाचा, किसका चाचा? और हाँ साले कोशिश भी मत करना। क्या चाचा कहने की? झूठ बोलने की। तेरा चाचा आ रहा है अभी, अब बोल। ये वो, इसी ने मेरा लॉकेट चोरी किया था, इसी ने आपका लॉकेट चोरी किया था। मेरा 2 लाख गया था, लाख बनाने के चक्कर में मेरा 2 लाख गया था। ये गुरु खंडाल है 420 से, ये खत्म हो गया। शांत हो जा, मर जाएगा तू। अब बोल। ये गोली। अरे छोड़ दे मुझे, इतनी बड़ी गोली उतार का लेकर जा रहा मुझे, जानता नहीं मैं ना, गोली उड़ा दूंगा तेरे को। चाचा यही है गोली, चाचा चाचा यही गोली है। गोली? चाचा इसी के पास था लॉकेट। हाँ इसको ही दिया था लॉकेट। पता है मैं ही हूँ गोली, और तू ये धर्मेंद्र के पोज में क्या कर रहा है? लॉकेट कहाँ? कौन सा लॉकेट? देखो दिया था ना, दे दे लॉकेट, दे। अब नहीं है मेरे पास। चाचा छोड़ना मत, इसको झूठ बोल रही है। पूजा आंटी को दे दिया मैंने। पूजा आंटी? पूजा आंटी? कौन पूजा आंटी? जो मेरी लैंडलॉर्ड है। अरे क्या कर रहे हो? बॉस अपना पीछा कर रहे थे, हवेली में जबरदस्ती घुस रहे थे। चार्ली, चार्ली, अब ये कौन? हाई फाइव खेल रहा तू? यहां हाई फाइव खेल रहा तू? अपना घर परेशान है। कौन है दोनों? देर लगा दी। एक मिनट चुप कर, बाद में बात करूंगा। अरे कितना परेशान करेगा यार। एक मिनट चुप हो जा, बोला ना तेरे को चुप। एक मिनट, किसका नाम लिया? कौन आंटी? पूजा आंटी।
पूजा आंटी। हाँ मैं ही हूँ पूजा, लोग तो मुझे यू ही आंटी कहते हैं। वैसे पापड़ बनाने का बिजनेस है मेरा। पापड़? आपका पापड़ मतलब आपका कोई ऑर्डर हो तो बता दीजिए बस। नहीं नहीं, मुझे पापड़ अपड़ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो लॉकेट चाहिए। वो तो नहीं है। नहीं है मतलब, कहाँ गया? वो तो मैंने भोलू को दिया था। भोलू? भोलू? No, who the f- Sorry, who is भोलू ना? मैं ही भोलू। लॉकेट कहाँ है? कौन सा लॉकेट? अरे वो लॉकेट जो इस लड़की ने तेरी बीवी को दिया था, वो लॉकेट कहाँ है? वो तो मैंने बजरंगी को दिया था। बजरंगी कौन है? Who is बजरंगी ना? शादी का ऑर्डर, पार्टी का ऑर्डर सब लेते हैं हम। अरे अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन ने हमारे यहाँ ही तो रसगुल्ले खाए थे। अरे नाम है बजरंगी मिठाई वाले का। राम नाम सत्य हो जाएगा तेरा, अगर वो लॉकेट मुझे नहीं मिला तो, समझ रहा तू? लॉकेट? हाँ, जो तूने भोलू से खरीदा था वो लॉकेट कहाँ है? अच्छा वो बड़ा वाला लॉकेट? वो वाला कहाँ है? अरे वो तो मैंने मेरी बेटी डॉली की शादी के लिए लिया था। कहाँ गया अभी? वो तो बेटी के साथ चला गया। कहाँ? लो हनीमून पे। हनीमून पे? अरे अभी कोई तरीका है हम लोग को उठा के लेके आ गए? हमारे हनी के साथ तो मून भी नहीं होने दिया आपने, वो कोई बदतमी आपको? ओके ओके ओके, तेरी बीवी को जो दहेज में लॉकेट मिला था वो लॉकेट कहाँ है? मुझे इतना ही चाहिए। अरे वो तो मैंने तुम्हें ही दिया था। लॉकेट मुझे कब दिया था? वो तो कल्लू ले गया। अब ये कल्लू कौन है? लॉकेट कहाँ है कल्लू? आपने कोई ऑर्डर दिया था क्या? कितने कैरेट का था? फेसबुक की कसम, अगर वो लॉकेट नहीं मिला ना तो तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा मैं। अरे किस लॉकेट की बात कर रहे हो आप? यार वही लॉकेट जो गुड्डू ने तुझे बेचा था, वो लॉकेट। अच्छा तो उस लॉकेट के बारे में पूछ रहे हो आप? उसमें मेरे सारे स्विस बैंक के इंफॉर्मेशन है, वो लॉकेट मुझे चाहिए, अभी चाहिए। अगर वो लॉकेट मुझे नहीं मिला तो फेसबुक की कसम मैं तुझे तुझे ऊपर भेज के रहूंगा। हाँ वो तो कमिश्नर साहब ने अपनी बेटी के लिए खरीदा। कमिश्नर? कहीं ये लॉकेट तो नहीं? यही लॉकेट है। यही लॉकेट है। अब तो मिल गया, अब तो छोड़ दो मुझे। यस मिल गया, यही लॉकेट है, यही लॉकेट है, यही लॉकेट है, यही लॉकेट है, यही है, यही तो है। मैं जाके लेके आऊं। अबे मुंह क्या देख रहे हो, जाके लेके आओ। अबे जल्दी कर, जल्दी कर, भागो। चाचा। अबे चाचा होगा तेरा चाचा? वो तो है चाचा, आपसे बात कर रहा हूँ इधर। बोल बोल। मेरा नाम चार्ली है चाचा। हाँ, तो अरे ये मेरे लिए बाएं हाथ का हाँ खेल है। अच्छा। हाथ तो खोलो। हाँ सुन लिया, चल। अरे दादा खोल मत दियो, नंबर एक का चोर है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात का यकीन करो, मैं जानता हूँ इतनी चोरी है कि इसने ये बाएं हाथ का खेल है इसके। अरे चुरको चोरे खोल मत दियो, सच्ची बोल रहे। किसकी सुनो? चुप करो यार तुम। मेरी सुनो, मेरी 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 सुनो यार। किसकी सुनो? पक्का? चल खोल दे फिर, क्या देख रहा तू? हाँ खोल 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 खोल। अरे खोलना राज कन्नौजिया के मेन विलन खोलेगा। खुल गया, हट जा तू, एक काम नहीं होगा। देखो सब कुछ बॉस को करना पड़ता, मेन विलन है। यस अबे चुप कर। दादाजी ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, बाएं हाथ से। आजा छोड़ू, आजा छोड़ू। अच्छा, पक्का? पक्का, चल जा फिर। ए आजा छोड़ू। हाँ जा। अच्छा जाओ ना बे। अरे चोरी कैसे? अरे यार क्या पागल है, घुमावत घुमावत पहले घुमाओ। आइए ए आटा, ए हीरो चल चल, ए आटा, ए बाबा बाबा कहां से आ रहे हैं? अरे
क्या बोला था तुमने? बहुत बढ़िया चोर है, ये सब कर लेगा। ये क्या है? इसका मतलब नहीं, मतलब वो देखो, पेड़ है क्या? हाँ? रिचार्ज करा। हाँ। बंद भी। अब ऐसे काल कोशिश कर। निकल लो। हाँ नहीं तो ये चार्ली फिर बसा देगा। पर इंतजार बंद कर। चार्ली। ओ यार तू स्पाइडरमैन टाइप कैसे आ गया एकदम जर्र करके? लॉकेट लॉकेट देता हूं। अब तो तुझे पुलिस ही खोलेगी। अबे यार लॉकेट मत दे, अबे खोल तो दे मेरे को। अबे सुन, अबे तू वाकई चला गया क्या? अबे अबे गधे के बच्चों, कोई तो खोल दे। अरे खोल दे, अरे अरे उठो, देखो, अरे देखो लड़की जा रही है, अरे भाग रही है वो, अरे लड़की भाग रही है, पकड़ो उसे, अरे पकड़ो। हेलो, देख मेरी बात सुन, पेंडेंट मुझे दे दे और तुझे क्या चाहिए बस वो बोल। चार्ली तू? चार्ली मर गया। और कैसे? अभी तो थोड़ी देर पहले वो मेरे पट्टों को मार कर यहाँ से वो पेंडेंट और मेरी गाड़ी लेकर भागा, कैसे मर सकता है वो? वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं चार्ली बोल रहा हूँ। तुम्हारा कौन? चार्ली। लेकिन तुमने तो कहा कि चार्ली मर गया ना? हाँ वो चार्ली मर गया जो पैसों के लिए कुछ भी किया करता था। ये चार्ली पैसों पर थूकता है। मैं बदल चुका हूँ। अरे मेरे लाल एक बार फिर बदल जा, पैसे कमाने के मौके बार बार नहीं आते जीवन में। कोई लालच कोई लोभ मेरे रास्ते से मुझे नहीं हटा सकता। कोशिश बेकार का लपार। तुम्हारी बातें बेकार लग रही है मुझे, बकवास मत कर। तो तुम भी मत करो, बाय। हेलो हेलो, एक मिनट, एक सीरियस ऑफर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 100 करोड़ दूंगा तुझे, पेंडेंट मुझे दे दे बस। बिल्कुल नहीं, मेरे इरादे पहाड़ की तरह अटल हैं और फौलाद की तरह मजबूत। अबे लेकिन 100 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है, मान जा। कितना कहा? 100 करोड़, 100 करोड़। सॉरी काला जी, पहाड़ जी, मैंने 9 करोड़ सुना था। 100 करोड़ में तो पहाड़ भी हट जाएगा और फौलाद भी पिघल जाएगा सर। आप एक काम करो, आप तो जीवन लाल के पैसे ले जाए बस। या ओके गुड बॉय, आई एम कमिंग। काला पहाड़ पैसे लेकर यहाँ आएगा हमारी दुकान में? क्या बात कर रहे हो यार? नहीं यार, इतना बड़ा डॉन, खैर वो भी बड़ा है तो हम भी कौन से छोटे हैं क्या हैं? मगर आएगा कि नहीं? अरे वो देखो, वेलकम वेलकम काला पहाड़, आइए 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 आइए। अरे वाह, आप मेरी दुकान पर आ गए, मेरी दुकान की रौनक बढ़ गई। यहाँ तो चोरों को आने से रौनक बढ़ती है भाई। चार्ली काला पहाड़ काला पैसा लेकर आ गया। कितना है? 100 करोड़। देखिए आपको बात नहीं करनी है, ठीक से तो मत कीजिए, ऐसी टेढ़ी बात क्यों कर रहे हैं? 100 करोड़। अरे जीवन लाल ये सच कह रहे हैं? हाँ 100 करोड़। अरे चाचा गिन लो ना आप। आज ही गिनने की क्या जरूरत है, 1500 इधर उधर हो गए तो कोई बात नहीं, माफ कर देंगे। ए जस्सी। हाँ जी। एक लस्सी लेकर आ जी, जल्दी लेकर आ, मलाई मार के और चीनी दबा के। हाँ यहाँ की लस्सी बहुत ही जबरदस्त है। मुझे आपकी लस्सी नहीं पीनी, चल तू पेंडेंट निकाल जल्दी। हाँ देते ना, एक मिनट। कमिश्नर साहब। कमिश्नर? कौन कमिश्नर? अबे बावला हो गया क्या? कमिश्नर को क्यों बुला रखा तूने? अरे घबराओ मत,
बातचीत हो चुकी है ऊपर से नीचे तक, साफ सेटिंग कर ली है। तेरी सेटिंग कर रखी है तो बड़ा होशियार निकला जी। अरे मैंने तैयार किया है इसको। क्या बात है चाचा, क्या बात है, मान गए आपको, लेकिन अब आप उसके एक्स्ट्रा पैसे मत मांगिएगा, इसमें आप दोनों समझ लीजिएगा। हाँ उसकी तुम चिंता मत करो काला पहाड़। सलाम। अरे साहब आप भी इसमें शामिल है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब इसमें तीन हिस्से होंगे, मेरा, कमिश्नर साहब का और चार्ली का। क्यों साहब, आपके ज्यादा होगा चलेगा, मेरा कम कोई बात नहीं बल्कि दौड़ेगा। चाचा ये आप लोग बाद में करते रहिएगा, मेरे जाने के बाद पेंडेंट दो तो मैं जाऊं। अभी देते हैं, अभी देते हैं। भाई शेर सिंह, भाग सिंह। ओहो हो, भाग सिंह शेर सिंह के पास आपने वो पेंडेंट रखा हुआ। कंप्यूटर के साथ में, कंप्यूटर के साथ, ये तो बोनस। भाई चार्ली तुमने कमाल का काम किया। अरे सिम। यस सर। हां ऑफ कोर्स कमिश्नर साहब, एक्चुअली कोड लैंग्वेज में कह रहे हैं अरे सिम, मतलब काला पहाड़ को उनका पेंडेंट। अबे क्या कर रहा है, एक मिनट ओए, सीरियसली रेस्ट कर रहा है कमिश्नर साहब, ये क्या कर रहा है बताइए ना। ये तो ओहो, इसने धोखा दिया है मुझे। अबे हमारे धंधे में खतरे की सजा मौत है, याद रखना तू। कमिश्नर साहब वैसे भी आप इसको अरेस्ट कीजिए, ये सारा काला धन जो है वो इसका है। दिस ब्लैक मनी इज नॉट माइन। नो, कितने बड़े इडियट हो तू जी। कैसे? क्योंकि इसने तो पुलिस की मदद की है। और चाचा? वो चाचा से पूछो। बताइए ना चाचा प्लीज। अरे इसने तुम्हें पकड़वाने में हेल्प की है और हमने इसकी हेल्प की है, इसलिए जैसे कैंसिल जी। चार्ली ये बैग अंदर ले चलो, आ जाओ। जीवन ये सरकार का माल है जो सरकार के पास ही जाएगा। अच्छा तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, थाने लेकर जाओ इसे। अरे एक मिनट, चलो चलो कमिश्नर साहब, फिर से चलो। 200 करोड़, 300 करोड़, थाने में बात करेंगे, थाने में बात करेंगे। अच्छा कमिश्नर साहब मैं चलता हूँ। अरे चाली तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने तो इतना बड़ा काम किया है, वी आर प्राउड ऑफ यू, तुम्हें तो इनाम भी मिलेगा। ये काम मैंने इनाम के लिए नहीं अपनी खुशी से किया सर, मैं चलूं। अरे एक लड़की से बहुत प्यार करता था वो, पता नहीं उस लड़की ने इसके साथ बेवफाई क्यों की। बहुत टूट गया था मेरा पुत्र, इसलिए वो डरता है कि तुम भी कहीं उसके साथ। लेकिन मैं तो, मुझे पता है पुत्र, मैं जानती हूँ तेरे प्यार में कोई खोट नहीं है। सुन, अगर तू उसे इस बात का यकीन दिला देगी ना तो वो नहीं जाएगा हमें छोड़कर। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे रोक ले पुत्र, मैं रोक लूंगी, रोक ले मेरे बच्चे को। पापा, हेलो पापा। हेलो स्वीटी बेटा, मेरा बच्चा, अरे कहाँ हो तुम? पापा मैं चार्ली को ढूंढ रही हूँ। अरे बेटा चार्ली तो कमाल का बंदा निकला भाई, है? उसने काला पहाड़ को भी पकड़वा दिया और उसके पास जो पेन ड्राइव था वो भी पुलिस के हवाले कर दिया, करोड़ों का नुकसान होने से बचा दिया बेटे। पापा चार्ली कहाँ है? मैं उसे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? प्लीज उसे फोन दीजिए ना प्लीज। फोन कहाँ से दूँ, वो तो चला गया। कहाँ गया? कुछ बता के तो नहीं गया कि वो कहाँ जा रहा है, काफी अपसेट लग रहा था बेटा, वो जहाँ कहीं भी गया है आई डोंट थिंक कि वो वापस लौट कर आएगा। मैंने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है। मैंने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक वैसे मैं कुछ सोचता वोचता नहीं, एक बड़े महान व्यक्ति का है कि लाइफ मजे से जीनी है ना, तो सोचने का नहीं। पूछा तो इतना कहता है, अपने आप को धोखा मत दो चाली, तो
तुम्हारी जुबान कुछ और, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। लड़े क्यों? चार्ली, इस वक्त कहाँ हो तुम? फौरन वापस चले आओ। क्यों, क्या हुआ? वो स्वीटी। क्या हुआ स्वीटी को? कैसे बताऊं बेटा, तुम्हारी तलाश में वो मेरी दुकान पर आई थी, मगर तुम्हारे घर वालों से उसको पता चला कि तुम उसको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो। बस वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने जहर खा लिया। स्वीटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर मुझे जरा भी पता होता कि स्वीटी मुझे इतना चाहती है तो मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाता, कभी नहीं। सच? तुम जिंदा हो? इसका अफसोस है तुम्हें? नहीं, ये क्या तरीका था? और कोई रास्ता भी तो नहीं था तुम्हारे दिल का हाल जानने का? हमें दिल चुराना था, सो हमने चुरा लिया। अब तुम पलट नहीं सकते। हाँ, चोरों से चोरी। चोर बाजारी बहुत घूम ली तुम्हारे साथ, सो चोरी करने का थोड़ा सा हुनर हमने भी सीख लिया। शकीरा ले बाहों में और मां तू कैश कर ले, सारी रात यहाँ मस्ती में ऐश कर ले, बहुत का शौक है ये, हैव इट एंड डांस कर ले, और इस बात पे आज मुझे नाचे यहाँ। कैसे पिसले ना दिल मेरा for you my shawty, इस दिल की पंजा रानी ना कर baby मनमानी, कर दू ये रात सुहानी, come on baby let's get naughty, कर दो अब bottoms up, हो जाओ देसी सब, let's get the music up. माल किसके पास है? Pump it up and shake it down, pump it up and shake it down, pump it up and shake it down, let's get this party on the ground.